वेलकम टू टेक ट्रांसफॉर्मेशन चैनल। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका रमेश। मैं रोबोटिक्स सीरीज लेकर आपके सामने आया हूं। दोस्तों, रोबोटिक्स एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। इसके ऊपर काम करके आप भी आपका करियर में आगे बढ़ सकते हैं। फायरबर्ड फायर रोबोट के ऊपर मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया था। इस सीरीज में वो सारे एक्सपेरिमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपके लिए भी ये काम में आ जाए। चलिए दोस्तों, हम सेकंड एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक इनपुट डिवाइस को माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करेंगे। बूट स्विच को इनपुट डिवाइस के रूप में लिया जाएगा। यहाँ पर बूट स्विच का लोकेशन आप फिगर में देखिएगा। रीसेट स्विच का राइट साइड में रेड कलर बॉक्स में दिया हुआ है। सो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये बूट स्विच को जब प्रेस करके रखेंगे तब बजर 200 मिली सेकेंड्स के लिए बजता रहेगा और 200 मिली सेकेंड्स के लिए बंद होगा। ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा जब तक ये बोर्ड स्विच प्रेस रहे। जब इसको रिलीज करेंगे बजर बजना बंद हो जाएगा। दोस्तों, कोडिंग करने के बाद कोड को डंप करने के लिए एक प्रोग्रामर का ज़रूरत पड़ेगा। STK 500 V2 प्रोग्रामर यहाँ पे हमने लिया। इस प्रोग्रामर को यूज़ करेंगे और इसको एक FRC केबल और USB केबल के साथ जोड़ के कोड को रोबोट के अंदर डंप करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं कोड को बना के उसको रन किया और उसका आउटपुट मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।